हेलो गाइस, तो सोना BLW का रिजल्ट आ चुका है। आपने सोना BLW का नाम बहुत बहुत यूट्यूबर से सुना होगा, अरे बाय करो बाय करो, बहुत अच्छा प्रॉफिट देगा, बहुत ऊपर जाएगा। बट क्या हुआ है, आप चार्ट जाके देख सकते हो, 700 का चार्ट, 700 का स्टॉक अगर आपको 400-500 पे मिल रहा है तो आप समझ सकते हो कि कितना फॉल डाउन है। उसके बाद और एक बात क्लियर करना चाहूँगा, सोना BLW कोई सोलर रिलेटेड काम नहीं करती। वो जो हम लोग ऑटोमोबाइल रिलेटेड लाइक गियर्स है एंड असेंबलीज रहता है, हाइब्रिड मोटर्स वो सब रहता है ना, वो सारी चीज़ें करती है। मतलब इन शॉर्ट ना, वो फोर्जिंग करती है और वो सारे प्रोडक्ट्स बनाती है। ओके, हम लोग को प्रोडक्ट नहीं दिखना है, आई मीन सॉरी, ऐसे नहीं बात कर, मतलब वो पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कर रहा। अगर हम लोग को उसके रिजल्ट्स के बारे में देख रहा है तो सबसे पहले देखते हैं कि रिजल्ट्स क्या है। ओके, उसके बाद देखते हैं कि प्रोडक्ट्स क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट्स का जो मार्केट में रिक्वायरमेंट है क्या है, डिमांड कितना है और सप्लाई कितना जा रहा है। वो सब होने के बाद आपको इन्वेस्ट करना है ये स्टॉक में या आपको ट्रेड करना है, यही सारी चीज़ें दिखने रहती हैं। अगर हम लोग करंट प्राइस की बात करें, 490 और उसका ऑल टाइम हाई है 640, तो ऑल टाइम हाई से काफ़ी 20-30% नीचे है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 22%, रिटर्न ऑन इक्विटी 80%, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। ओके, आपको अगर इंडस्ट्री की पी से कोई अच्छा आपको ये दे रहा है तो कोई मतलब काफ़ी अच्छी बात होती है। अगर हम लोग स्टॉक की पी की बात करें 74, इंडस्ट्री पी की बात करें 25, तो आप समझ सकते हो इंडस्ट्री की पी के 3 times प्राइस पे वैल्यूएशन पे लाई कर रहा है। तो आपको भी समझना है, आपको भी ना सोचना है कि अगर आप कोई भी स्टॉक 52 week पे हाई कर रहे हो तो वो कौन से प्राइस पे लाई कर रहा है और कितना कितना ऊपर लाई कर रहा है। डेप टू इक्विटी कंसर्न नहीं है, सिर्फ 0.13 का डेप टू इक्विटी, मतलब 291 करोड़ का सिर्फ डेप्ट है, तो उसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। अगर हम लोग पी की बात करें, ओके, मीडियन आप देखोगे 95। क्यों 95? बिकॉज ना ये इधर ही था 160 की 200 के रेंज में। अगर कोई स्टॉक इतने बड़े रेंज में रहता है ना तो उसका डेफिनेटली मीडियम पी तो ज़्यादा ही होगा। देखो ये स्टॉक ना यहाँ पे भी था, ये देख रहे एकदम एकदम बॉटम, एकदम बॉटम वाला लाइन, मतलब 140 के नीचे। बट मेरे को भी लगता है कि ये 40 के आसपास आना चाहिए, अभी उसका प्राइस चालू है 80 के आसपास। मुझे नहीं लगता कि कोई भी इसमें इन्वेस्ट करना चाहेगा एज ऑफ नाउ। अच्छा, स्टॉक अच्छा है, अच्छी बात है, बट स्टॉक कौन सी वैल्यूएशन पे है वो भी काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट करती हैं। अगर हम लोग रिटर्न ऑन इक्विटीज़ की बात करें, देखो कॉम्पिटिटर्स देखो, अब बॉस्क है, समर वो सम जो मदरसन सुमी है, समावर्धन, मदरसन सुमी वायर्स, यू नो मिंडा, मिंडा हम लोग ने सुना है, मदरसन वायरिंग है, तो ये उनका ना रिटर्न ऑन इक्विटी देखो। सोना BLW का भी काफ़ी अच्छा है उनके रेंज में, तो कोई बुरी बात नहीं है। ओके, अगर हम लोग रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी उसी के रेंज में है, मतलब एक एवरेज है, एवरेज लेवल पे है। मैंने बोलूँगा कि काफ़ी अच्छा है और काफ़ी बुरा है, एकदम मीडियम लेवल पे और परफेक्ट है। 22-23 का अगर आपको रिटर्न मिल रहा है तो काफ़ी अच्छी बात है। बट सबसे बड़ी कंसर्न है ये देखो, ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, पी रेशो कहाँ पे लाइक कर रहा है, 78 पे। बाकी सब देखो आसपास भी नहीं है, बस एक ZF कमर्शियल है विच इज़ 71, बट बाकी के देखो सब 40 पे। देखो जैसे मैंने आपको पी का सिर्फ चार्ट, मैंने ये देखा नहीं था, मैं सिर्फ क्या करता हूँ स्क्रीनशॉट निकालता हूँ, डायरेक्ट ना वीडियो बात करना स्टार्ट करता हूँ। जब मैंने वो पी का देखा तभी मैंने आपको बोला था कि ये 40 के पी के आसपास होना चाहिए, और आप देख सकते हो बाकी सब जो कॉम्पिटिटर्स है 40 के आसपास है ये। अगर हम लोग रिजल्ट्स की बात करें, देखो कंपनी इतनी बड़ी नहीं है कि आपको 200-400 करोड़ का प्रॉफिट दे, बट जितना भी दे रही है काफ़ी अच्छा है। रेवेन्यू की बात करें, देखो रेवेन्यू में कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट हो रहा है, 72 का रेवेन्यू आता था, अभी 616 का रेवेन्यू आ रहा है, काफ़ी अच्छी बात है। अगर हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें, देखो 22%, 30, 37, 26, 26, 26, तो उन्होंने ना ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पूरा का पूरा मेंटेन करने का ट्राई किया है, तो कोई भी कंपनी के लिए ये काफ़ी अच्छी बात होती है। अगर हम लोग नेट प्रॉफिट की बात करें, देखो नेट प्रॉफिट ना कुछ साल पहले माइनस में था, फिर एक स्टेबल था। आप देख रहे हो ये जो जोन है ये स्टेबल इनकम का था, थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ और वापस अभी इम्प्रूवमेंट हुआ है, तो लास्ट क्वार्टर से इम्प्रूवमेंट है। बट अगर आप मार्च 2022 की बात करें तो काफ़ी कम है। ओके, अगर हम लोग ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम लोग ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें, देखो ईयर ऑन ईयर देखो ये है ईयर ऑन ईयर बेसिस का नेट प्रॉफिट, काफ़ी अच्छी बात है। लास्ट ईयर से थोड़ा प्रॉफिट बढ़ा है, ज़्यादा नहीं बढ़ा है, एकदम थोड़ा सा बढ़ा है, बट अब तक का हाईएस्ट प्रॉफिट उन्होंने दिया है। देखो क्या होता है मालूम है आपको ना,
1 लाख आप फटक से कमा सकते हो, बट 1 लाख से 2 लाख और फटक से कमा सकते हो, ये ना अलग बात होती है। हाँ, ये क्या होता है, यहाँ पे प्रोडक्शन होता है, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होता है, यहाँ पे एक्सपेंशन होता है, यहाँ पे लेबर कॉस्ट होता है, मेंटेनेंस कॉस्ट होता है, इन्वेंटरी कॉस्ट होता है, बहुत सारी कॉस्ट होती है। और वो कॉस्ट से ना आपको ना कंसिस्टेंट ग्रोथ करना है, आपको सडन ग्रोथ नहीं कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ये कंपनी ना कंसिस्टेंट धीरे 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 ग्रोथ कर रही है। ओके, तो इतना बुरा, उतना मतलब थोड़ा सा अगर भी इम्प्रूवमेंट है, बट इतना बुरा मानने की ये नहीं है कि भाई इतना सा क्यों रिजल्ट है। अगर वो सब हुआ, सबसे बड़ी कंसर्न है ना ये देखो, ये देख रहे हो, जून 2021 में 68 का होल्डिंग था, लास्ट क्वार्टर तक 53 का था, अभी कितना है 33। पता नहीं क्यों बेच रहे हैं। देखो वो सारा FIs के बाद जा रहा है, DIs के बाद जा रहा है, बात अलग है। लेकिन अगर प्रमोटर्स खुद ही कंपनी में नहीं रहना चाहते हैं तो FIs DIs में जाके क्या फ़ायदा। देखो FIs में भी ऑपरेटर्स होते हैं, वो भी पेनी स्टॉक को घुमाते हैं। ऐसा नहीं है कि FIs सारे अच्छे होते हैं, ऑपरेटर ऑपरेटर होता है, FI भी ऑपरेटर है, DI भी ऑपरेटर हो सकते हैं अगर वो खेलना चाहे तो। बट DIs क्या होता है, DIs मोस्टली इंडिया के ग्रोथ के लिए करते हैं, FIs भी करते हैं, बट जो कुछ FIs रहते हैं पेनी स्टॉक को उठाने का ट्राई करते हैं, तो FIs की होल्डिंग बढ़ रही है, DIs की होल्डिंग बढ़ रही है, बट प्रमोटर्स की घट रही है। लास्ट में आते हैं हम लोग का डेली का प्रैक्टिस, चार्ट क्या बता रहा है। देखो चार्ट, एक मैंने जो रेजिस्टेंस लाइन दिखाई ये ब्लैक लाइन के आपको दिख ही रहा है कि वो रेजिस्टेंस पे उसने ना यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था, उधर इसके ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट देने के बाद देखो ना आप यहाँ पे देख सकते हो ब्रेकआउट उसने दिया 440 के लेवल पे, अभी पहुंच गया 490 के लेवल पे 3 दिन में। तो आपको ना ब्रेकआउट, किसी भी स्टॉक का ब्रेकआउट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। होप सो इधर वॉल्यूम भी अच्छा ही होगा, मैंने वॉल्यूम का स्क्रीनशॉट नहीं निकाला है, बट वॉल्यूम ही अच्छा होगा। अगर 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 मुझे लगता है कि इसका ना नेक्स्ट टारगेट ये आ ही जाएगा, ये नोट करके रखो, मुझे लगता है ये टारगेट आ ही जाएगा, टाइम लगेगा थोड़ा बट टारगेट आ ही जाएगा। बट आपको ना कुछ भी हो जाए स्टॉप लॉस रखना है। देखो ये एक रेजिस्टेंस है काफ़ी अच्छा, आपको इसको स्टॉप लॉस रखना है, और एज अ दिस टारगेट आप बाय कर सकते हो। और देन देखो बाद में ये लेवल है, ये लेवल है, बट देखो ये सडन लेने आएगा, मुझे लगता है कि उसमें और 2 क्वार्टर चले जाएंगे, तब तक अगर अच्छा रिजल्ट मेंटेन करती है तो शायद वो लेवल आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया हो, अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।